आज का टॉपिक क्या है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिगार्डिंग अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट की बेसिक चीजें पढ़ ली है। कल क्या क्या बेसिक चीजें पढ़ी थी कि सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, फिर एक फॉर्म भरना था आरओसी को पास 3, उस फॉर्म के साथ अटैचमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ अलॉटेज, फिर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वगैरह वगैरह। चलिए अब इन्होंने कहा कि कुछ जनरल प्रिंसिपल है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला भैया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स मतलब क्या, एक्ट ऑफ क्या लिखा है, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मीनिंग समझो, अप्रोप्रिएशन मतलब कि एलोकेट करना कैपिटल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। वापस अप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या है, आप जो कैपिटल है उसको स्पेसिफिक पर्पस में अलॉट कर रहे हो, मतलब कि स्पेसिफिक पर्पस में लगाएंगे, यही होता है ना। कंपनी आपसे पैसा ले रही है, प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा ना कि हम फ्लाईओवर का काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर का काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, हम पब्लिक इश्यू लेके आए, प्रोस्पेक्टस में लिखा है, चलिए अब आप हमें एप्लीकेशन का अमाउंट दीजिए, फिर हम आपको अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट जब भी दिया जाता है दैट मींस हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा लगाएंगे जो हमने प्रोस्पेक्टस में लिखा है। क्लियर है? कौन डिसाइड करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आइए, इन्होंने कहा जनरल प्रिंसिपल है अलॉटमेंट को लेकर जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, पहला क्या है, अलॉटमेंट करने वाला अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन डिसाइड करेगा कि भैया किस किस को अलॉट करना है? दैट वाज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप सबकी एप्लीकेशन आती है हमारे पास, आईटेक्स के पास आप सबकी एप्लीकेशन आती है। कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। जिनकी एक्सेप्ट होगी दैट मींस उनको हम क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल कि भैया एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है, वही अथॉरिटी अलॉटमेंट देती है। वो अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आंसर लिखने का तरीका, आंसर में सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ, अलॉटमेंट बाय दी प्रॉपर अथॉरिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी। अंदर का कंटेंट लिखोगे, वो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है, हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चले नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ये अलॉटमेंट क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम में। ठीक है, रीजनेबल टाइम होता है अलॉटमेंट देने का। जब भी एप्लीकेशन आता है आपको फटाफट अलॉट करना है। अलॉट करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके भी देना है। कितने टाइम के अंदर? टू मंथ्स। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये लिखा है 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। हेडिंग बना लोगे, हेडिंग क्या, रीजनेबल टाइम पे भैया सिक्योरिटीज दे दो। ठीक है, हेडिंग बना लोगे रीजनेबल टाइम पे सिक्योरिटीज दे दो। अंदर का कंटेंट क्या लिखोगे, वो रीजनेबल टाइम क्या है, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आपका अलॉटमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। हमने जो बातें लिखी है कि भैया हम प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें बता रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में आपका पैसा लगाएंगे, एक्सेप्ट कर रहे हो आप हमारा ऑफर, तो भैया एक्सेप्टेंस, क्या काउंटर ऑफर दे देंगे क्या? हमने 10 बातें लिखी है, यहां यहां पैसा लगाएंगे, अगर आप अग्री कर रहे हो तो हमारी कंपनी के शेयर्स लो, अग्री नहीं कर रहे हो तो मत लो ना। क्या आप लोग अलग से, जनता अलग से बोलती नहीं नहीं कंपनी थोड़ी सी चीजें प्रोस्पेक्टस में चेंजेस करो, बोल सकती है क्या? नहीं। तो जो भी अलॉटमेंट होता है वो एब्सोल्यूट होता है, और क्या होता है, अनकंडीशनल। कभी भी सामने वाला इन्वेस्टर कोई कंडीशन नहीं रख सकता कि हाँ मैं पैसे देने को तैयार हूं लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, ऐसा होता है क्या? कभी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट ये लिखा है, अलॉटमेंट हमेशा क्या होगा, कम्युनिकेट। दैट मींस एप्लीकेशन आई तो हम बताएंगे ना कि हम आपको अलॉट कर रहे, तो एक अलॉटमेंट का जो लेटर होता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको दिया जाता है, ताकि फिर आप पैसे दोगे ना। पहले हमने आपको फॉर्म दिया, एप्लीकेशन फॉर्म दिया, तो आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा और साथ में क्या दिया, एप्लीकेशन मनी। आ गई हमारे पास, बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, आप लोगों के नाम देखे, डिस्कस करे और अलॉटमेंट डिसाइड करे किस किस को देना है। तो आपको क्या दिया जाएगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आप तक पहुंच गया है, अब आप क्या दोगे, अलॉटमेंट मनी दोगे। ठीक है, ऐसे फर्स्ट कॉल मतलब क्या, ऐसे फोन करके नहीं बोला जाता है, सब रिटर्न में होता है। फर्स्ट कॉल किया जाएगा मतलब कि आपसे पैसे मांगे जाएंगे, फिर आप क्या दोगे, पे करोगे, ऐसे ही फाइनल कॉल भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा भैया अलॉटमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटिव। एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है, एडवाइस विल टेक द वैलिड कम्युनिकेशन। अगर आपने बताया ही नहीं तो क्या सामने वाले को सपना आएगा क्या कि उसकी जो एप्लीकेशन बनी है वो एक्सेप्ट हो गई है? नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेट होगा तब हम अलॉटमेंट मानेंगे, अदरवाइज हम अलॉटमेंट मानते नहीं। नेक्स्ट अलॉटमेंट अगेन क्या लिखा है, एप्लीकेशन ओनली। जब रिटर्न में आप एप्लीकेशन भर के दोगे तभी हम अलॉटमेंट देंगे ना, बिना एप्लीकेशन रिटर्न में क्या हम अलॉटमेंट दे सकते हैं? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी उन्हीं को अलॉट किया जाएगा ना, जिन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी क्या अलॉट करेंगे? नहीं। और एप्लीकेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, रिटर्न। हम पढ़ क्या रहे हैं ये बताओ, जनरल प्रिंसिपल किसके, अलॉटमेंट के। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, अलॉटमेंट नॉट कॉन्ट्रावेंट एनी अदर लॉ, अलॉटमेंट एज पर लॉ होगा, दैट्स इट। ठीक है, इफ द सिक्योरिटी इज अलॉटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द माइनर तो इसे मान लिया जाएगा ये क्या है, वॉइड। दे ही नहीं सकते, लॉ का ध्यान रखना है। 6 हमारे जनरल प्रिंसिपल थे, फटाफट हेडिंग के साथ। पहली हेडिंग क्या है, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, कौन है वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
रीजनेबल टाइम होना चाहिए, क्या विद इन टू मंथ्स में सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटीज मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। आपका अलॉटमेंट हमेशा एब्सोल्यूट अनकंडीशनल होना चाहिए, हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए। अलॉटमेंट तभी होगा जब सामने से क्या आएगी, एप्लीकेशन। और अलॉटमेंट करते वक्त आपको सारे लॉस को ध्यान रखना है। क्लैरिटी है, हेडिंग विद लाइन का एक्सप्लेनेशन, बेस्ट प्रेजेंटेशन यही है, ठीक। चलिए कुछ केसेस है फटाफट। सबसे पहला केस क्या बोलता है, अलॉटमेंट मे बी वैलिड तब माना जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, क्या लिखा है, सब्सिक्वेंटली डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया, डिफेक्टिव। समझना कॉन्सेप्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर अथॉरिटी कौन है अलॉटमेंट की, चलिए तुम लोग की एप्लीकेशन आई, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि किस किस को अलॉट करना है, मैंने अलॉटमेंट कर भी दिया, रॉकी सर, अभिषेक सर, मैं, हम तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। इसमें पता चलता है कि मैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं डिफेक्टिव हूं। डिफेक्टिव कैसे, जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उसकी बहुत सारी क्वालिफिकेशन दी जाती है, ठीक है, मैंने झूठ झूठ बोला था कि वो क्वालिफिकेशन है, या फिर पहले अट्रैक्ट करी थी बाद में अट्रैक्ट नहीं करी है तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाती हूँ, लेकिन मैंने अलॉटमेंट तो कर दिया है ना। जब तीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जब ये तीन टीम थी, इन्होंने अलॉटमेंट डिसाइड कर दिया, और बाद में पता चलता है, अलॉटमेंट होने के बाद में पता चलता है कि भाई ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक जो डायरेक्टर था वो सही नहीं था, तो अलॉटमेंट सही माना जाएगा कि नहीं, इन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब पता चला उससे पहले के सारे काम क्या है, सही। पता चलने के बाद अगर दोबारा से अलॉटमेंट करता है तो काम गलत हो जाएगा ना। तो आज की डेट क्या है बच्चा, 13, ठीक है, 13th of July, आज की डेट 13 तारीख है, 13 तारीख में पता चलता है डिफेक्टिव है, इससे पहले के जितने भी काम है, इवन अलॉटमेंट है, समझो अब आप, मैं तो समझा ही रही हूं ना भाई, मैंने बोला समझो, तूने बोला एक बार समझा दो नालायक, समझो। रेगुलर लिखा है और आपको दिखेगा इरेगुलर, ये कुछ टर्म्स है जिसको समझ लो। रेगुलर मतलब सही तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं है। इरेगुलर मतलब क्या है, डिफेक्टिव है, बात समझ में आ रही है, मतलब सही नहीं है। रेगुलर मतलब सही, इरेगुलर मतलब सही नहीं है। अब एक बार रीड करते, अलॉटमेंट किसने किया, बाय दी बोर्ड, अलॉटमेंट किया बाय दी बोर्ड, लेकिन कौन से बोर्ड, जो कि इरेगुलरली कॉन्स्टिट्यूट, मतलब सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं थे, मतलब कुछ डिफेक्ट था, तो इन्होंने क्या बोल दिया, सब्सिक्वेंटली रेटिफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसे क्या कर दिया जाएगा, ठीक। ठीक कौन कर देगा, रेगुलर बोर्ड। अगर कुछ भी अलॉटमेंट किसी गलत बोर्ड ने पास कर दिया है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे ठीक कर दिया जाएगा बाय दी सही बोर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई, अब ये लैंग्वेज रीड कर पाओगे, रेगुलर इरेगुलर, लेकिन लिखते वक्त आपको रेगुलर इरेगुलर ही लिखना है, वो तो मैंने समझाते वक्त बोल दिया, सही बोर्ड और गलत बोर्ड। अगर किसी ने बोला करेक्ट बोर्ड और रॉन्ग बोर्ड तो मैंने पीट देना उसको एकदम, इतना है ना, सिंपल इंग्लिश नहीं लिखनी है, थोड़ा सा यार में इंप्रूव करो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाल में, एक डायरेक्टर है हु वाज जॉइन इन एन अलॉटमेंट, एक डायरेक्टर था उसने क्या किया, अलॉटमेंट में ज्वाइन किया, मतलब कि अलॉटमेंट की जब प्रोसेस चल रही थी तो प्रॉपर अथॉरिटी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में था, तीन थे एक चौथे ने ज्वाइन कर लिया। चलिए अब जब अलॉटमेंट किया गया तो किसको किया गया, टू हिमसेल्फ। अब डायरेक्टर भी तो शेयर ले सकता है ना, क्या डायरेक्टर शेयरहोल्डर हो सकता है, हाँ हो सकता, क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है, हाँ हो सकता है, वो एम्प्लॉय भी है, एज अ डायरेक्टर मैनेजमेंट भी देख रहा है, और एज अ शेयरहोल्डर वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर्स अलॉट करे और ये शेयर्स अलॉट उसने अपने आप को ही किया, बहुत सारे लोग को करे था, वन ऑफ देम वो भी खुद भी था। टू विल बी क्या लिखा है, कुछ स्टॉपल का कॉन्सेप्ट मालूम है, स्टॉप करना, रोक दिया जाएगा, फॉर एलिजिंग दी इनवैलिडिटी ऑफ दी अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट की टीम में आप ही थे, उस बोर्ड अथॉरिटी में आप ही थे, आप ही ने अलॉटमेंट किया है, तो आपको रोक दिया जाएगा क्या बोलने से, कि ये इनवैलिड है, मतलब मान लिया जाएगा कि ये एकदम वैलिड है। आप एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटमेंट करते हो तो अपने को भी अलॉटमेंट कर सकते हो क्या, हाँ एकदम वैलिड है, इसे कुछ भी इनवैलिड बोला नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट डी पढ़ो क्या लिखा है, कंपनी ने क्या किया, डिस्पैच, क्या डिस्पैच किया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। प्रोसेस तो अब आपको समझ में आ गई, मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, अलॉटमेंट डिसाइड होता है तो सबसे पहले क्या भेजा जाता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ताकि अलॉटमेंट मनी आप दो, लेटर भेज के आपको इन्फॉर्म किया जाता है। डिस्पैच किया गया लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू हिम विच नेवर रीच्ड हिम, सारे शोल्डर को लेटर भेजा, एकाश शोल्डर के पास पहुंचा नहीं। इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज लाइबल फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू ऑन दी शेयर्स। मान लो मेरा शेयर कितने का था, 10 रुपए का, एप्लीकेशन अमाउंट कितना दे दिया, 3 रुपए, अलॉटमेंट में मैं कितना मांग रही हूँ, 4 रुपए। क्लियर है। अब मैंने लेटर भेजा, कंपनी ने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी डिस्पैच करने की वो डिस्पैच कर दी,
बहुत सारे लोगों को शोल्डर को भेजा कि भैया सब लोग अपने अपने 4 रुपए दो, किसी को पहुंचा और किसी को नहीं पहुंचा, जिसको पहुंचा उसने तो पैसा दे दिया। अब जिसको नहीं पहुंचा, मुझे बताओ कंपनी ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना। अब पोस्ट ऑफिस वालों की तरफ से दिक्कत भी, या कोई भी कुरियर वाले से जिससे भी ईमेल भेजा था, जहां कहीं से भी गलती हो, कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की है कि नहीं। अब शोल्डर तक ये बात नहीं पहुंची, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या शोल्डर के पास लाइबिलिटी वाली आएगी क्या रिमेनिंग अमाउंट की? हाँ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से भेज दिया है, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, मैं नहीं पे करूंगा। अब जब वो नहीं पे करेगा तो कंपनी कौन सा एक्शन लेगी? फोरफिट का। सिंपल है बेटा, हम बोल रहे शेयरहोल्डर आपको पे करना है 4 रुपए, वो बोलेगा मैं पे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं आया। लेकिन क्या तब भी उसकी लाइबिलिटी बनती है? हाँ, 4 रुपए देने की बनती है, लेकिन वो मना कर रहा है, अड़ गया कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो भैया कंपनी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस वो क्या करेगा, एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए फोरफिट। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट आओ, नो प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर अनलेस इन्फॉर्म ना किया जाए। तो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, अलॉटमेंट तब माना जाएगा जब आप इसे कम्युनिकेट करोगे। अलॉटमेंट का जो लेटर था घर भेज के हमने क्या कर दिया? कम्युनिकेट। अब आपने घर पे ताला मार के रखा था, क्या कंपनी की गलती है? क्या नहीं। आप 1 महीने से फॉरेन घूमने चले गए थे, तो क्या कंपनी की गलती है? नहीं, कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया। क्या ये सारे केसेस समझ में आए? फटाफट सारे केसेस फिर से रिपीट। पहला केस का कंक्लूजन क्या है? बाद में पता चलता है डिफेक्टिव है अपॉइंटमेंट, तो तब भी वो काम वैलिड होगा। सेकेंड केस क्या बोलता है? अगर अलॉटमेंट इररेगुलर बोर्ड ने किया है तो रेटिफाई किया जा सकता है बाय रेगुलर बोर्ड। करेक्ट बोर्ड रॉन्ग बोर्ड नहीं लिखने का। चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? खुद ही अलॉटमेंट अपने आप को किया है तो ये वैलिड ही माना जाएगा, इनवैलिड नहीं है। डी क्या बोलता है? लेटर भेजा था लेकिन आपके घर तक पहुंचा नहीं, डिस्पैच कर दिया था आपको नहीं मिला, तो इसमें फिर भी शेयरहोल्डर की लाइबिलिटी बनती है। लेकिन अगर वो नहीं चुकाना चाहता तो कंपनी के पास 1 एंड ओनली फोरफिट का ऑप्शन है। ई पॉइंट क्या बोलता है? प्रॉपर अलॉटमेंट तब माना जाएगा जब कम्युनिकेशन होता है, बताया जाएगा। क्लियर है? पक्का? अब हमारा अलॉटमेंट वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। हेडिंग अब आ रही है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज होती है, कुछ सिक्योरिटीज सुनिए कुछ नहीं सुनिए। चलिए सबसे पहला वाला प्राइवेट प्लेसमेंट, बस नाम सुना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपने पढ़ी नहीं है, तो चलिए डिटेल में घुसेंगे। इन्होंने कहा अगर किसी को प्राइवेटली प्लेस करो तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? इक्विटी शेयर इशू करना। लेकिन इक्विटी भी हमने 2 टाइप के पढ़े थे, विद वोटिंग राइट्स और एक डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स में क्या था? डिविडेंड और वोटिंग और एनी अदर प्रिस्क्राइब बाय द सीजी। इन्होंने कहा हम उस इक्विटी की बात करें जिसमें क्या है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या डिफरेंशियल डिविडेंड की बात कर रहे हैं क्या, या एनी अदर की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उस इक्विटी की बात कर रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है। लेकिन डिफरेंशियल डिविडेंड भी होता है और अदरवाइज भी होता है। क्लियर है? तो उसको कैसे इश्यू किया जाता है उसकी पूरी डिटेलिंग। नेक्स्ट क्या इश्यू और रिडीम करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। फिर क्या लिखा है? राइट इश्यू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, प्रेफरेंशियल बेसिस, बोनस इश्यू, स्वेट इक्विटी शेयर्स। टोटल कितने है बताओ? 8 पॉइंट्स है। अब मुझे बताओ कौन सा है जो आपने सुना है? सब सुना? कुछ ऐसा जो नहीं सुना? सब सुना है पक्का? क्या कुछ एक जैसा दिख रहा है? क्या एक जैसा दिख रहा है? अलग अलग क्यों लिखा है जब इन्होंने एक जैसा है? तो डिफरेंस होता है, ठीक है, माइनर डिफरेंसेस होते हैं, इस चैप्टर में वो डिफरेंसेस पढ़ेंगे। पढ़ने में क्या लग रहा है भैया ये प्रेफरेंस? भाई मुझे बताओ क्या इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या? एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, फिर क्या लिखा है? एक प्रेफरेंस शेयर्स है, और क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल बेस। तीनों अलग अलग होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम बचपन से प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसमें फिर भी हमें क्लैरिटी है। हम किसी एक शेयरहोल्डर को क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस दो, पहली प्रेफरेंस क्या? डिविडेंड। दूसरा क्या? रीपेमेंट इन द वाइंड अप। क्लियर है? तो इसमें तो क्लैरिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ कंफ्यूजन हो जाती है किसमें? प्राइवेट प्लेसमेंट में और प्रेफरेंशियल बेस। प्राइवेट प्लेसमेंट थोड़ा बहुत हमें बैकग्राउंड मालूम है कि हम प्राइवेटली विजिट करें, कुछ सिलेक्टेड लोगों को अप्रोच करें, भैया तुम पैसे दो, हम जनता से नहीं मांग रहे, हम प्राइवेटली लोगों से मांग रहे, कंपनी की अपनी मर्जी है ना, कैसे भी पैसे मांगो। प्रेफरेंशियल बेस भी एक तरीके से बोल रहा है हम कुछ लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जिनको हम क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई तुम्हें पहला प्रेफरेंस मिलता, आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो और हम पे पैसा लगाओ।
जबकि प्राइवेट प्लेस में प्रेफरेंशियल कॉन्सेप्ट तो हमें एक ही लग रहा है, कुछ लोगों को प्रेफरेंस दी मतलब कुछ लोगों को प्राइवेटली प्लेस किया, तो दोनों का जो इंट्रोडक्शन लेवल है वो आपको सेम लगेगा, लेकिन जब आप डिटेलिंग में जाओगे तो यस इसमें डिफरेंसेस होते हैं, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट का। आ जाइए, प्राइवेट प्लेसमेंट में सबसे पहले इन लोगों ने मीनिंग बताया। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कोई भी ऑफर किसको दिया जा रहा है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन सिलेक्ट करता है, ऑब्वियसली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बाय द कंपनी। कंपनी करिए मतलब कंपनी का रिप्रेजेंट करने वाला कौन है कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, इन्होंने क्या बोला मीनिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को अप्रोच करो और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, बदले में हम आपको शेयर देंगे, मतलब हम जनता से नहीं मांग रहे, ये कंपनी खुद अप्रोच करती है। तो कंपनी अप्रोच करेगी तो पूरी बिल्डिंग उठ के नहीं जाती है, कौन जाता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीनिंग समझ में आ गया, आइए थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। क्या लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर है, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर है कम एप्लीकेशन, दैट मीन्स साथ में एंड होता है वो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ, नॉर्मली मुझे जनता को इश्यू करना है शेयर, तो एक प्रोस्पेक्टस होता है, कौन सा वाला प्रोस्पेक्टस होता है, रेड हेरिंग, एवरेज प्रोस्पेक्टस मतलब शॉर्ट में समरी, ठीक है। एवरेज प्रोस्पेक्टस के साथ मैं अटैच करूंगी क्या, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करके मैंने आपको दे दिया जनता को, जनता एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी और एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी को सेंड कर देगी, ऐसा ही होता है। अब क्या मैं जनता को दे रही हूं क्या, नहीं। तो इन्होंने बोला आप प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज नहीं करोगे, आप कहां जा रहे हो, कुछ लोगों के पास जा रहे हो, सिलेक्टेड लोग जिनको हम क्या बोल रहे हो, प्राइवेटली आप प्लेस कर रहे हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, याद रहेगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। प्रोस्पेक्टस भी क्या, ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, प्रोस्पेक्टस भी ऑफर डॉक्यूमेंट है, जनरली वही बोला जाता है, लेकिन जब हम प्राइवेटली लोगों को देते हैं तो उसका नाम बस बदल दे रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा वाला ऑफर है, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला ऑफर, ये जनता वाला ऑफर नहीं है। अगर हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसका बस नाम अलग किया, लेकिन काम क्या होगा उसका, सेम होगा ना, उस बंदे को जिसको हम प्राइवेटली प्लेस करें वो क्या करेगा, पूरी की पूरी कंपनी की हिस्ट्री देखेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा कि भैया पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के साथ क्या भेजा जाएगा, सिंपल एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन जो हम जनता को भी दे रहे थे, ठीक। चलिए, इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर साथ में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का फॉर्मेट कहां दे रखा है, पैसोर में, कुछ नहीं एमसी की वेबसाइट में जाना, पैसोर निकालना है, वो एप्लीकेशन साथ में दे देना अटैच करके, क्लियर है। पूरा कंपनी लॉ ने आपके लिए मेहनत करके रखा है, फॉर्म वॉर्म बना के रखा है। प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर है साथ में हम एप्लीकेशन जो देते हैं, शेल नॉट बी कैरी एनी राइट ऑफ रेनन्सिएशन, वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी और को ट्रांसफर करना, रेनाउंस करना। अब मुझे ये बताओ, राइट इश्यू समझते हैं, ये राइट इश्यू किसको देते हैं मुझे बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आपसे मैं पैसा ले चुकी, दोबारा आपको अप्रोच कर रही हूं, जब मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दोबारा से अप्रोच करती हूँ, आओ मुझे पैसे दो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम राइट इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास एक राइट होता है, तभी तो इसका नाम राइट इश्यू होता है, रेनाउंस करने का, प्रीएम्प्टिव राइट, बहुत अलग अलग टर्म से बोला जाता है। अभी राइट इश्यू जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी शॉर्ट में समझो। इनके पास एक राइट रहता है, क्या राइट रहता है, मैंने ये ऑफर किसको दिया, आपको दिया, जो आप ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर हो, आप मुझे पैसा दोगे, शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये राइट अपने दोस्त को दे सकते हो, जरूरी नहीं वो कंपनी का मेंबर हो, आप तो मेंबर हो, मैं किसको दूंगी, ओनली मेंबर को, लेकिन मेंबर चाहे तो किसी नॉन मेंबर को ये राइट ट्रांसफर कर सकता है, उसे टेक्निकली रेनाउंस करना बोलते हैं। तो ये राइट इश्यू में रेनाउंसिएशन होता है, इन्होंने कहा भैया ये किसमें नहीं होता, प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट में मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, चलिए मैंने इन बच्चों को सिलेक्ट किया, इन बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया। अब मैंने आपको दिया ऑफर, कौन सा वाला ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, साथ में क्या दिया, एप्लीकेशन दे दिया, बरकरार मुझे दोगे, आपको कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जिसका नहीं उसे छोड़ दे। लेकिन क्या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, क्या उन स्टूडेंट को ट्रांसफर कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर करने वाला राइट तो किसमें आता है, राइट इश्यू में, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा कोई राइट नहीं है। मैंने अगर तुमको किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अंशिका को मैंने ऑफर दिया, तो अंशिका ही इसे एक्सेप्ट करेगी, या तो वो रिजेक्ट कर दे, लेकिन क्या ट्रांसफर कर सकती है, नहीं। राइट इश्यू में क्या होता है, अंशिका को दिया एक्सेप्ट कर ले या फिर किसी और को ट्रांसफर कर दे, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो साफ साफ बोल दिया भैया इसमें कोई राइट नहीं होता रेनन्सिएशन का, याद रहेगा। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन, मैंने बोला ना कुछ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है,
मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने, नॉट एक्सीडिंग 200 की लिमिट है। क्या मैं 100 लोग को सेलेक्ट कर सकती हूँ? हाँ। 50 को? हाँ। 150 को? हाँ। 300 लोग को सेलेक्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं। इन्होंने बोला भैया आपके जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे उस सिलेक्टेड ग्रुप में कितने लोग होंगे? मैक्सिमम 200, उससे ज्यादा नहीं। एक्सक्लूड किया जाएगा, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, शॉर्टकट में इसे मैं क्या बोलूंगी? QIB। एंड किसको? एम्प्लॉइज को। जब हम 200 की जब लिस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 की लिस्ट में इन्होंने क्या बोल दिया? QIB नहीं है, एम्प्लॉई नहीं है। अब कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉई हो तो ये तो हम समझते हैं, लेकिन हम ये QIB नहीं समझते। कुछ बच्चे समझते हो, कुछ नहीं समझते, चलिए समझते हैं। एक्चुअल में QIB, वापस से नाम देखो क्या लिखा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। बायर है मतलब शेयर्स खरीदने वाले, बायर से मतलब शेयर्स खरीदने वाले। लेकिन ये बायर कैसे है? क्वालिफाइड है। क्यों क्वालिफाइड है? क्योंकि सेबी के पास इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाया। किसने करवाया? इंस्टीट्यूट ने। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, ये लोग कहां जाते हैं? सेबी के पास जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और क्या बोलते हैं? हमारा काम क्या है? पैसे इन्वेस्ट करना। हम कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, छोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, हम बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बल्क में करते। तो इन सारे बायर्स को सबसे पहले क्या करवाना होता है? सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन। सेबी पहले चेक करेगी आप कौन हो, कैसे हो, पैसा है कि नहीं, फिर आपको रजिस्टर कर देते तो आपकी एक लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की डेफिनेशन यहां पे नहीं दे रखी है, बस उन्होंने बोल दिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो है जो कहां दे रखा है? सेबी में और ICBR में डेफिनेशन डिटेल में दे रखे। उन डेफिनेशन में बैंक्स दे रखे हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स दे रखे हैं और बहुत सारे फंड्स दे रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ बड़े इन्वेस्टर अभी ये समझेंगे, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोग हैं, कितने कर सकते हो मैक्सिमम? 200। उन 200 में कौन नहीं आएगा? QIB नहीं आएंगे और कंपनी के एम्प्लॉइज भी नहीं। प्रेग्नेंट मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना इंडिविजुअली फॉर द ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। कंपनी ने इक्विटी शेयर भी इशू किया है, कंपनी ने प्रेफरेंस भी कर रखा है, कंपनी ने डिबेंचर भी कर रखा है। तो 200 की जब लिमिट कैलकुलेट करोगे तो अब मुझे बताओ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ लोग को मैंने इक्विटी दिया है, कुछ लोग को क्या दे रखा है? प्रेफरेंस दे रखा है। मेरी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो सबको मिला के 200 होनी चाहिए कि इंडिविजुअली होनी चाहिए? इंडिविजुअली। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है इक्विटी के लिए अलग से 200 लोग, डिबेंचर के लिए अलग से 200, प्रेफरेंस के लिए अलग से। मतलब 200 की रेंज में इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर सब मिक्स नहीं होंगे। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो तो कितने लोगों को कर सकते हो? 200 को। डिबेंचर कितने लोग को? 200 को। प्रेफरेंस कितने को? 200 को। तो कैलकुलेट किया जाएगा इंडिविजुअली ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में केस स्टडीज फॉर्म में आएगा घुमा फिरा कर कि भाई 200 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, 150 हमने क्या कर दिए? डिबेंचर। कर सकते हैं क्या आपको कि नहीं? नहीं, ये तो कितना हो रहा है? 350 हो रहा है। 350 तो कर ही नहीं सकते, 200 की लिमिट थी। कर सकते ही नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली लिमिट है सबके लिए सेपरेट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेटिंग क्या लिखा है? अभी हमने कौन सी हेडिंग पढ़ी? रुको, मैक्सिमम नंबर 200 समझ में आ गया। 200 की लिमिट में क्या क्या नहीं कैलकुलेट करेंगे? QIB नहीं, एम्प्लॉय नहीं, ठीक है। जब 200 की लिमिट देखेंगे तो सबके लिए इंडिविजुअली देखेंगे। अब ये वाला पैराग्राफ आ जाओ, ये तो पढ़ लिया, इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, रेफर कर रखा है। वेर अ कंपनी इज लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया? डीम टू बी पब्लिक ऑफर। कब डीम टू बी पब्लिक ऑफर? जब क्या कर दिया जाएगा? मोर देन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन। क्या है प्रिस्क्राइब नंबर? 200। लॉ बोलता है 200 से ज्यादा इशू मत करना। हमने क्या किया? 200 से ज्यादा इशू कर लिया तो क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक ऑफर। वापस वापस वापस, लॉ बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट तब है जब आप मैक्सिमम 200 को क्रॉस नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 200 से क्रॉस कर दिया, 220 लोगों को ऑफर कर दिया, तो हम मानेंगे ये आपका प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक ऑफर। अब जब पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा तो आपको पब्लिक ऑफर के पूरे लॉस फॉलो करने पड़ेंगे जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हम प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है किस पे? NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक आध एग्जाम्पल बताओ, मुथूट फाइनेंस, ये सब क्या है? NBFC कंपनीज है। इन्होंने कहा भैया ये तो रजिस्टर्ड है किसके पास? RBI के पास, तो इन पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये 200 से ज्यादा कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC,
नेशनल हाउसिंग फाइनेंस का एक अपने आप में एक एक्ट है, ठीक है। वापस नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट क्या होगा, इसका काम क्या होगा, नाम से समझो काम, फाइनेंस करना। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो आप HDFC बैंक को लेकर, क्या है ये, मर्जर हो रहा है, वेरी गुड। किस किसके बीच में मर्जर हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। करंट अफेयर नाम की भी चीज होती है CACT, और मेरे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे CACT पढ़ लिया, छोड़ दिया, मतलब क्या पता है, प्रॉफिट निकला था, हो क्या रहा है, क्यों प्रॉफिट निकला, रीजन पता है, प्रॉफिट आया ये वालू है, लेकिन क्यों नहीं वालू, एक्सेस के साथ था। मार भाई मार, बस बस हो गया। HDFC एक बच्चा होम लोन समझते हैं, होम लोन समझते हैं पक्का, और HDFC बैंक दो अलग अलग है। कभी देखा रेड कलर का HDFC और ब्लू कलर का, क्यों ये रेड और ब्लू होते हैं, रेड वाला जो है वो होम लोन को लेकर है, रेड वाला क्या है, होम लोन को लेके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो, और जो ब्लू वाला वो बैंक है, प्राइवेट बैंक है। ये दो कंपनी आपस में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, ये दो कंपनी आपस में क्या हो रही है, मर्ज। मतलब जो लाल कलर का था जो होम लोन वाला, वो नीले के साथ मिल रहा है, सही बोल रही है, वो लाल कलर अब नीला हो गया, बैंक के साथ मिल रहा है, मतलब एग्जिस्ट कौन करेगा अब, HDFC बैंक, होम लोन अब खत्म। बात समझ में आ रही है, समझो। अब आप एक बात आपको बता दूं, पेरेंट होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी समझते हैं, होम लोन वाली सब्सिडियरी कंपनी नहीं थी, होल्डिंग कंपनी थी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी समझते हो, जो रेड कलर की थी, क्योंकि तुम लोगों को कलर से याद है, हा ना, रेड कलर वाली होम लोन थी, वो होल्डिंग कंपनी थी, और सब्सिडियरी कंपनी कौन था, वो ब्लू कलर की जो कि बैंक था। होल्डिंग कंपनी मर्ज हो रही है सब्सिडियरी कंपनी के साथ, और एग्जिस्ट कौन करेगी, सब्सिडियरी कंपनी। सोचो HDFC बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब्सिडियरी जो कंपनी थी इसने इतना अच्छा काम किया कि होल्डिंग कंपनी के साथ वो अब क्या हो गई, मर्ज हो गए। सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको पता ही नहीं है, हम क्या कंपनी का काम करेंगे, मुझे बताओ, ध्यान तक नहीं देते यार तुम लोग, बस क्या देखते रहते हो, क्या देखते हो, रील्स, है ना, सच चाहिए रील्स ही देखते हैं। तूने तो एक्सिस के साथ करवा दिया, एक्सिस बैंक के साथ, रिकॉर्ड तोड़ नालायक, चलो वापस आओ। और तू गुमराह हो गया, इतना सदूरा बच्चा है ना तू, चलो आओ। NBFC और कौन सा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, ये 200 वाली लिमिट इसमें एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 200 ज्यादा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनका खुद का एक एक्ट है, वो अपनी अलग लिमिट देता है, ठीक, पक्का। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए इन लोग को ज्यादा फाइनेंस की जरूरत हो सकती है, इसीलिए इनके 200 लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, याद रहेगा, डिटेल में केस स्टडीज क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन, किसने आइडेंटिफाई किया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, विलिंग टू सब्सक्राइब, अगर वो सब्सक्राइब करना चाहता है तो एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेगा, भर कर देगा, ठीक है, और साथ में क्या देगा, सब्सक्रिप्शन मनी। नॉर्मली जो जनता के साथ हो रहा है वही हो रहा है, एप्लीकेशन भर के दोगे और साथ में क्या दोगे, पैसा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जिन जिन लोगों को दे रखा है, जिन जिन के पास एप्लीकेशन है, वो उसे भर के देंगे और साथ में देंगे पैसा, पेड, या तो क्या देंगे, चेक, या तो डिमांड ड्राफ्ट से, या तो अदर बैंकिंग चले, साफ साफ बोल दिया है, कैश नहीं, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट करे मतलब मोटा कैश होगा, मोटा पैसा होगा, ये मोटा पैसा क्या कैश मिलेंगे, तो भाई ऑनलाइन काम होगा सारा का सारा, कैश में नहीं लेंगे, क्योंकि छोटा पैसा नहीं है, ठीक है। अब तो सारे काम जनता से भी तो कैश में नहीं लिया जाता यार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुका है, कैश में डील नहीं होगा, दैट्स इट, वो ये कहना चाह रहे, क्लियर है, हाँ बेटा बोल। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, टाइम लिमिट ऑफ द अलॉटमेंट, कब अलॉट होना चाहिए, शेयर सिक्योरिटीज कब, 2 मंथ्स पड़ा है ना बनने तो, लेकिन 2 मंथ्स किस चीज को लेके पड़ा है, शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके देने का, यही पड़ा है ना, यही पड़ा है ना। चलिए क्या लिखा है, टाइम लिमिट फॉर द अलॉटमेंट एंड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन, जो भी होगा डिसाइड, जैसा भी होगा। इन्होंने कहा कंपनी अलॉट सिक्योरिटी विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, अलॉट कर दी जाएगी सिक्योरिटीज। अब समझना, यहाँ पे अलॉटमेंट की बात हो रही है, शेयर सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है, प्लीज ध्यान से समझना। शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके देना है, कितने टाइम के अंदर, 2 महीने के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब इन्होंने कहा अलॉटमेंट कब करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी। स्टेप बाय स्टेप अब समझो, पहले मैंने आपको दिया एक ऑफर लेटर,
आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, अपन पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया, साथ में क्या दिया एप्लीकेशन अटैच करके आपके घर तक पहुंच गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उस फॉर्म को भरोगे और साथ में क्या दोगे पैसा, कौन सा वाला एप्लीकेशन मनी, कंपनी तक पहुंच गया। अब जब भी कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आया, यहां से कितने डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटमेंट करने की, मतलब अलॉटमेंट लेटर तैयार करना, बोर्ड मीटिंग करना, लेटर तैयार करना और सबके घर तक पहुंचाना, 60 डेज के अंदर में पहुंचा देना है। 60 डेज के अंदर पहुंचाने के बाद फिर आपका रिप्लाई आएगा, ठीक है, कि हाँ हम पैसा दे रहे। जब आपका पैसा आ जाएगा तब हम क्या देंगे आपको, शेयर सर्टिफिकेट। दैट मीन शेयर सर्टिफिकेट कब मिल जाना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन मैंने आप तक पहुंचा दिया वहां से फिर 2 महीने के अंदर प्रिंट करके दूंगी। क्या ये 2 महीने और 60 डेज में डिफरेंस समझ पा रहे हो? 60 डेज कंपनी के पास है अलॉट करने के लिए और 2 महीने उसके बाद है प्रिंट करने के लिए, क्लैरिटी है? चलिए, नो अलॉटमेंट, मान लो किसी को रिजेक्ट कर दिया तो भैया क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी रिपे, कितने दिन के अंदर, 15 दिन फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। कौन से 60 डेज, जो अलॉटमेंट के प्रोसेस चल रहे, इस अलॉटमेंट के प्रोसेस कुछ एक्सेप्ट किया कुछ रिजेक्ट किया, तो जो एक्सेप्ट किया उनके काम चालू कर दो और जब आपका ये काम 60 डेज का खत्म हो जाएगा तो प्लीज जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर रिफंड वाला काम भी करो, क्योंकि पहली प्रायोरिटी क्या बोली है, अलॉटमेंट लेटर पहुंचाओ तो रिफंड वाला काम करना। नेक्स्ट, नॉट रिपे, नलायकों ने पे ही नहीं किया 15 दिन के अंदर, फिर क्या हो जाएगा, 15% किस में पड़ा था, पब्लिक ऑफर। हम पढ़ रहे प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 12%, और जनता को जब पब्लिक ऑफर करोगे तो कितना लगेगा, 15, याद रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो भूल जाओगे। सब्सक्रिप्शन मनी कहां संभाल के रखना है, सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना, नॉट यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन, आपको ये पैसा संभाल के रखना है, इसे यूज नहीं करना है अदर देन, मतलब इसमें यूज आप कर सकते हो, कहां कहां, एडजस्टमेंट अगेंस्ट दी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आपका काम चल रहा है अभी, एप्लीकेशन का मनी आ गया है, एप्लीकेशन मनी अगर आ चुका है तो उन्होंने कहा कि भैया अलॉटमेंट में अगर कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटी में अगर लग रहा है तो प्लीज उसमें पैसा यूज कर लो। और क्या लिखा है, रिपेमेंट में भी तो करोगे वापस, एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आया, मैंने एक सेपरेट अकाउंट में रखा, अब मैं कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूंगी कुछ रिजेक्ट करूंगी, ठीक है। जिनको एक्सेप्ट किया तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के लिए पैसा लग रहा है तो निकाल लो, जिनको रिजेक्ट किया वो तो पूरा पैसा निकालना ही पड़ेगा ना, तो 2 केस में यूज होगा, रिफंड में और अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में, क्लैरिटी है पक्का। नो इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अबाउट द इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट है ना तो जनता को बताने की जरूरत है क्या, नहीं, कहीं से कुछ भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी है, क्या पढ़ा, प्राइवेट प्लेसमेंट। अलॉटमेंट का एक रिटर्न होता है, फॉर्म बताया था, एक पास थ्री विथ अटैचमेंट, ये मैंने जहां जहां लिखा है ना RBS, मतलब रीड बाय स्टूडेंट, क्यों रिपीट है, नहीं भरोगे तो क्या लगेगी, पेनल्टी, घर से पढ़कर आओगे होमवर्क, फिर से क्या बोल दी, पेनल्टी कंपनी को भी लगती है और ऑफिसर को भी, कौन पढ़ेगा, बच्चे मेरे प्यारे खुद पढ़ेंगे और मैं उनकी कॉपी में भी देखूंगी कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। सॉरी मैं गलती से कॉपी बोल देती हूँ, बुक समझ लो, मेरी भावनाओं को समझो। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कंडीशन एप्लीकेबल टू प्राइवेट प्लेसमेंट। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कभी भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो आपको मेंबर से तो पूछना पड़ेगा कि भाई हम प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रहे हैं, मेंबर से पूछना पड़ेगा, तो एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उस रेजोल्यूशन का नाम क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब कितने वोटिंग चाहिए, 75। अब जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है ना तो साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट देना होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट समझो, मीटिंग होगी, इस मीटिंग में मैं डिस्कस कर रही हूं, क्या डिस्कस कर रही हूं, कि भाई मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, इन इन लोगों को करना है, हां बोलते हो कि नहीं बोलते हो, SR पास अगर हो गया तो हां, अगर SR पास नहीं हो तो ना हो गया, मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अब मीटिंग में आके एकदम सरप्राइज तरीके से नहीं पूछा जाता, आपके घर में एक नोटिस आता है, आपके घर में क्या आता है, एक नोटिस, इस मीटिंग को लेकर पहले नोटिस आएगा और नोटिस के साथ एक डॉक्यूमेंट आएगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मतलब घर में क्या क्या आया, नोटिस प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट घर में आ गए। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हमने साफ साफ लिख दिया है कि भाई आपकी मीटिंग इतनी तारीख को आपको आना है और उस मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट, हम पूरी इंफॉर्मेशन पूरे डॉक्यूमेंटेशन पहले दे देंगे ताकि आप घर से पढ़कर आओ और मीटिंग में आके बस आपको क्या करना है, वोट देना है, क्योंकि अगर यहां पे भी मैं समझाऊंगी तो भैया रात कट जाएगी, यहां पे मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी रीड करते कहते हर कोई रीड कर रहा है क्या, नहीं, घर पे दे दिया हमने पहले ही, रीड करो समझ के आओ और सोच कर आओ,
हाँ के लिए फेवर करना है कि अगेंस्ट के लिए, तो मीटिंग में आके बस क्या हो जाएगी आपकी वोटिंग। तो घर पे पहले से ही नोटिस के साथ एक डॉक्यूमेंट आता है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो स्पेशल रेजोल्यूशन कब होगा, जब मीटिंग में आओगे, लेकिन उससे पहले घर में क्या पहुंच गया आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू दी नोटिस। इन्होंने कहा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे, खुद एक बार लॉजिक लगाओ क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, क्या क्या बातें लिखी होंगी, किसको कर रहे हैं, लोगों के नाम बताओगे, क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है, क्या सारी चीजें। तो उन्होंने ये लिखा है भैया पर्टिकुलर ऑफर सब बता दो, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पहले पास होगा, पहले बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन फिर उसके बाद डिसाइड होता है ना, कब बोर्ड मीटिंग हुई थी बता दो, कौन सी सिक्योरिटीज दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में तो हम इक्विटी भी दे सकते हैं ना, प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, डिबेंचर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कौन सी वाली दे रही हो बताओ। फिर उन्होंने क्या बोला प्राइस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ऊपर मैंने साफ साफ लिख दिया है RBS मतलब रीड बाय स्टूडेंट, क्योंकि अंदर की डिटेलिंग है, आपको एक बार सारी चीजें बस रीड करनी है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, रीड कर लेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा एट द एंड, ये भी तो हमारे शोल्डर हो गए, रजिस्टर में मेंटेन करो, कुछ नहीं लिखा मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट, फॉर्म से इन्फॉर्म करना पड़ेगा ROC को, एक फॉर्म भरो, कौन सा फॉर्म, Pass 3। एक बात याद रखना, जब भी कंपनी कैपिटल रेस करेगी, जब भी कंपनी क्या करेगी कैपिटल रेस, तो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट से कैपिटल रेज हो रहा है, हाँ। अब मैं प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर रही, मैं पब्लिक ऑफर दे रही हूं, हो रहा है क्या, राइट इश्यू कर रही हूं, हो रहा है क्या, हाँ। जब जब कैपिटल रेज होगा तब तब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट वाज Pass 3 MGT 14। जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो ROC को बताओगे, ROC को बताने के लिए फॉर्म कौन सा होता है MGT 14। जब जब कैपिटल रेज होगा तो ROC को बताओगे, ROC को बताने के लिए फॉर्म क्या होता है Pass 3। ये दोनों फॉर्म याद रखने का, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया भाई 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट फटाफट बता दो कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, MGT 14 कब, स्पेशल रेजोल्यूशन और उनका बोर्ड रेजोल्यूशन भी साथ में अटैचमेंट में दे देना 30 दिन के अंदर जब भी मीटिंग में डिसाइड हुआ। क्लियर है, पक्का, क्या लिखा है, कौन बताएगा, इक्विटी दो तरीके के होते, पहला वोटिंग राइट्स वाले, फिर डिफरेंशियल राइट जिसमें वोटिंग डिविडेंड डिफरेंट एनी अदर, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, ये स्पेसिफिक बोल रहा है मैं प्रेफरेंशियल सॉरी डिफरेंशियल वोटिंग राइट की बात कर रहा हूं, किस पे एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड पब्लिक, किस पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट, प्राइवेट लिस्टेड होता है कि अनलिस्टेड होता है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ अनलिस्टेड पब्लिक और अनलिस्टेड प्राइवेट, प्राइवेट पब्लिक, लेकिन कौन सी वाली पब्लिक, अनलिस्टेड। इन्होंने बोले भैया एक लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, हमेशा याद रखना पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी अगर है तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद दी सेबी, जहां जहां लिस्टेड आता है वहां वहां कौन आ जाता है, हम पढ़ क्या रहे, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे, कंपनीज एक्ट बोलता है अगर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, तो कौन कौन कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा, अनलिस्टेड भी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी को क्या बोलते हैं, तुम तो कंपनीज एक्ट भी फॉलो करोगे और सेबी का भी, लेकिन ध्यान रखना कि दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों में झगड़ा होगा तो कौन प्रिवेल करेगा, सेबी करेगा, क्योंकि लिस्टेड में चलती किसकी है, सेबी की, क्यों चलती है, क्योंकि सेबी का ऐसा मानना है लिस्टेड कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जनता इन्वॉल्व है ना, अगर जनता इन्वॉल्व है तो हमें जनता की सुरक्षा के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर है। क्लियर है बच्चा, तो इन्होंने यहाँ पे अब बताना चालू कर दिया सब जनरल जनरल बातें, किसी भी कंपनी को, तुम कंपनी के CS हो, तुमको बोला जाएगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, कंपनी का आर्टिकल देखना, आर्टिकल में लिखा होता है कि कंपनी वाले शेयर इशू कर सकती है कि नहीं, अगर लिखा है तो कर सकती है, नहीं लिखा है तो क्या करोगे, रेक्टिफाई, क्या रेक्टिफाई बोलते हैं, ऑल्टर बोलेंगे, सही वर्ड क्या है, आर्टिकल को क्या करो, ऑल्टर, चेंज करो, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है तो ऑल्टर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या पास करना है, काम क्या कर रहे हैं हम यहां पर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर वाली बात है, तो इन्होंने कहा कि भैया जनरल मीटिंग में OR पास करो तो भी काम चल जाएगा, SR की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अगर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रहे हो तो याद रखना पूरे के पूरे शेयर्स आपके 100% के डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले हो सकते ही नहीं,
इसकी मैक्सिमम लिमिट है 74, उससे ज्यादा आप इश्यू नहीं कर सकते। क्या बोल दिया? अगर आपकी कंपनी सोच रही है, क्या सोच रही है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू करने के, तो आपने इन सारी चीजों में डिफॉल्ट ना किया। अब आप पढ़ोगे, पहला पॉइंट रीड करो फटाफट। साफ लिखा है कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस चीज में? नो डिफॉल्ट फाइल करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। डिफरेंस समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब, है ना, कैश फ्लो वगैरह सब। एनुअल रिटर्न मतलब पूरा साल भर का एक चिट्ठा होता है, AOC-4 एक करके एक फॉर्म होता है जो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। एनुअल रिटर्न मतलब पूरे साल भर की रिटर्न फाइल करनी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बैलेंस शीट तैयार करी, ठीक है, और साथ में आप आरओसी को रजिस्टर ऑफ कंपनी को रिटर्न फाइल करोगे। एंड लिखा है दोनों के बीच में, मतलब कि दोनों, आपने दोनों में डिफॉल्ट कर दिया। कब? पिछले 3 साल से। अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो हम आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करने देंगे नहीं। मतलब पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखना है, सीएस का काम है। अब ये अगर आप इशू करने आ रहे हो डिफरेंशियल वोटिंग राइट, आपको दिख रहा है डिफॉल्ट, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं। साफ साफ डायरेक्टर बोल दो हम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आ गए, हम नहीं कर सकते। या फिर कंपनी ने क्या कर रखा है, कोई डिफॉल्ट ना किया, किसमें? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था लेकिन रिपे नहीं किया। क्या बस डिविडेंड की बात हो रही है? नहीं। डिपॉजिट कंपनी, जैसे एफडी होती है, एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में होती है, पोस्ट ऑफिस में होती है, ऐसे कंपनी भी लेता है। कंपनी बोलता है आओ हमको दो ये डिपॉजिट, डिपॉजिट की एक मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी का टाइम आ गया था, कंपनी को रिटर्न करना था, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। किस किस में डिफॉल्ट किया? डिविडेंड में, फिर किस में किया? डिपॉजिट में, या फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं किया, टाइम आ गया था रिडेम्पशन रिपे करने का, नहीं किया, या फिर डिबेंचर का टाइम आ गया था और साथ में इनके इंटरेस्ट। तो अगर आप इन सारी की सारी डिफॉल्ट लिस्ट में हो तो आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है। किस चीज के लिए? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब मुझे बताओ कि लास्ट वाले पॉइंट और सेकंड लास्ट वाले पॉइंट में डिफरेंस क्या था? उसमें डिविडेंड की बात हो रही है और इसमें ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड और लोन की बात हो रही है, जो आपने पब्लिक फाइनेंशियल स्टेट लेवल फाइनेंशियल जिनसे भी लोन लेगा। इन शॉर्ट हम पहले वाले में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की बात करें, दूसरे में हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं, डिबेंचर की बात करें, और तीसरे में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड की बात करें, वो जनरल डिविडेंड था जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, और ये जनरल, और साथ में किसकी? लोन। अगर आप इसमें डिफॉल्ट करते हो तो आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है। क्लियर है? मान लो आपने अपने डिफॉल्ट को गुड कर लिया, दैट मींस ठीक कर लिया, आपने कहा कि रिपेमेंट नहीं किया था, चलो आज हमने इस साल पूरा पेमेंट कर दिया, क्या अब मैं एलिजिबल हूं क्या? नहीं। इन्होंने बोल दिया एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। जिस साल आप अपनी गलतियों को ठीक करोगे उसके बाद 5 साल रुको, उसके बाद करोगे, क्योंकि अब आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करने, तो फटाफट आपने इस साल अपनी गलती ठीक कर दी और तुरंत इशू लेके आओगे। उन्होंने कहा नहीं, गलती ठीक करने के बाद 5 साल हम आपको रोकेंगे। 5 साल बहुत बड़ा है ना, एक तरीके से तुम लोग को क्या किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है ना, कि भाई तुम लोगों ने ये सारे डिफॉल्ट क्यों करे जब टाइम आ गया था, और जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो तो फटाफट पे भी कर दिया, तो ये सब चलेगा नहीं, डिफॉल्ट ही मत करो। कंपनी इज नॉट पेनलाइज। अगर हमें पता चलता है कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है एज पर इतने सारे एक्ट, RBI, SEBI, SECRA, इतने सारे एक्ट के नाम दे रखे, इन सब में आप पेनलाइज भी नहीं होने चाहिए। अगर इन्होंने आप पे पेनल्टी डाल रखी है, आपको रोक के रखा है, तो फिर आप रुक जाइए। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर इंटू डिफरेंशियल वोटिंग राइट, या फिर वाइस वर्सा, डिफरेंशियल को इक्विटी में, नॉट पॉसिबल। समझना, आज मैंने आपको नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू दिए, नॉर्मल जिसमें वोटिंग राइट इक्वल है, क्या मैं आगे चलकर उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं। मैंने आपको आज डिफरेंशियल दिए, आगे चल के क्या नॉर्मल इक्विटी में कर सकती हूँ? नहीं। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा होगा आज जो मैं शेयर आपको दे रही हूँ डिफरेंशियल है, लेना हो नहीं लेना मत लो, आगे चल के इसको कभी भी हम कन्वर्ट करेंगे नहीं। ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा रहता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स है, ये कन्वर्जन के थ्रू मिलता नहीं है। ना आप नॉर्मल को डिफरेंशियल में कर सकते हो, ना ही डिफरेंशियल को नॉर्मल में, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्लियर है? मेंबर का रजिस्टर मेंटेन होगा, लिखोगे किसके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर है, होल्डर डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंजॉय करेंगे सारे राइट्स जो एक नॉर्मल को मिलते, इवन बोनस शेयर्स भी, बस इनके पास एक्स्ट्रा पावर क्या है? वोटिंग पावर। बात समझ में आ रही है? वोटिंग पावर एक्स्ट्रा है, बाकी सारी पावर्स क्या है? सेम एज इट इज। इवन जैसे बोनस शेयर नॉर्मल लोगों को मिलता है तो डिफरेंशियल को भी मिलेंगे, कुछ भी फर्क होता नहीं है। हेडिंग में क्या लिखा है? डिस्क्लोजर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझ आ गया? आप खुद सोचो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? मीटिंग, SR पास कराओगे,
लेकिन एसआर पास करने से पहले नोटिस के साथ घर पे क्या पहुंच गया होगा, एक्सएटी स्टेटमेंट। एक्सएटी स्टेटमेंट में क्या बताओगे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट किसको दे रहे हो, कौन है, क्यों दे रहे हो, पर्पस प्राइस क्या है, ये सारी चीजें खुद पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे सारी की सारी चीजें। बोर्ड रिपोर्ट हेडिंग से तुम जो बोर्ड रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उस रिपोर्ट में वो सारे का सारा चिट्ठा देंगे। कौन सा चिट्ठा देंगे, पूरे अलॉटमेंट वगैरह सारी चीजें। तो ये भी पूरा डेटा है, खुद रीड करोगे। बात समझ में आई? बस अब एक लास्ट क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। रीड करो। कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू करना चाहती है 40% कर सकती है, कितने तक कर सकती है, कर सकती है ना। तो यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, क्लियर है।